देश की राजधानी दिल्ली की अहम धरोहर पुराना किला है ये। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की युवतियां जो हैं, महिलाएं हैं, किस पथ पर अग्रसर हैं, किस ओर वो आगे बढ़ रही हैं, क्या समाज उनके लिए महफूज है, क्या वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पा रही हैं, क्या उनका सशक्तिकरण हो रहा है, क्या उनको प्रेरणा मिल पा रही है। तो हमारे देश में कई महिलाएं ऐसी हैं जो देश के अहम पदों पर मौजूद हैं। हम उनको सलाम आज करते हैं। सलाम आज हम उनको भी करते हैं जो घरों के अंदर और घरों के बाहर हौसले की लड़ाई रोज लड़ रही हैं। हम यहाँ पे पुराना किले पर मौजूद, इंडो म्यांमार बॉर्डर पर मौजूद नागालैंड की दो आईपीएस अफसर रूपा और दीपाली को भी सलाम करते हैं जो अपनी पोस्ट पर डटी हुई हैं। हम यहाँ से महाराष्ट्र की प्रेमा को सलाम करते हैं जो जिनके पिता एक ऑटो ड्राइवर हैं, इसके बावजूद उन्होंने सीए का एग्जाम देश भर में टॉप किया है। तो ये फहरिस्त बहुत लंबी है। तो आइए हम दिल्ली के इस पुराने किले में मौजूद हैं और आपको बता दूं उस जगह का नाम है इश्क ए दिल्ली। जी हाँ, इस जगह को इश्क ए दिल्ली कहते हैं और हम सबको अपनी दिल्ली से बहुत प्यार है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने समय निकाला आज आने के लिए और जिस तरह से शीला जी ने हमेशा अगुवाई की है उनको, उनके इस पूरे रास्ते को हम समझेंगे। लेकिन इस समय मुझे शीला जी का वो पल याद आ रहा है, एक समय इंटरव्यू में उन्होंने जब मुझे कहा था कि जब वो एक बिंदास कॉलेज गर्ल थी, उनकी लव मैरिज हुई थी और एक पारंपरिक फैमिली में उनकी शादी हुई थी, कई चुनौतियों से वो तब गुजरी थी, कदम दर कदम वो आगे बढ़ी। इस राज्य की मुख्यमंत्री वो तीन बार बनी है और मानिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती और अपने आप में मुश्किल भरा रहा होगा। हम सब जानते हैं कि 16 दिसंबर के बाद कई सवाल आए, कई आलोचनाएं उन्होंने झेली होंगी, लेकिन एक महिला के सफर को समझना इस समय हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि एक समय वो था जब वो दोबारा इनकी अगुवाई में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आ रही थी, लेकिन इनको मुख्यमंत्री घोषित करने में करीब एक हफ्ता लग गया था। तो जो कंपटीशन और कड़ी मशक्कत रही होगी उस समय की, वो हम समझ सकते हैं। तो शीला दीक्षित से हम कई सवाल जरूर करें, लेकिन इनसे सीखना हमने बहुत कुछ है। हमारे साथ शर्मिष्ठा मुखर्जी मौजूद हैं, नृत्यांगना हैं, कथक में पारंगत हैं, अपने आप में राष्ट्रपति की बेटी हैं। लेकिन हाल में आपको याद होगा कि जब इनके भाई ने स्टेटमेंट दिया था कि जंतर मंतर पर महिलाएं डेंटेड पेंटेड आ जाती हैं, तब शर्मिष्ठा ने विरोध किया था और उन्होंने इन लड़कियों के साथ खड़े होकर उनके दुख को साझा किया था। अंजुम चोपड़ा मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, आप जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन रह चुकी हैं और आपको बताऊं कि हमेशा कई स्पोर्ट्स वुमेन के लिए प्रेरणा रही हैं। कमला भसीन हमारे साथ मौजूद हैं। कमला भसीन ने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, उनकी समस्याएं जो जमीन पर हैं उनको बेहतरीन तरीके से समझती हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और अंत में हमारे साथ किरण बेदी अब जुड़ चुकी हैं। किरण जी देश की पहली महिला आईपीएस अफसर हैं। एक समय में क्रेन बेदी इनको कहा जाता था, दिल्ली की तब ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त होती थी। ये एक बहुत काबिल ऐसी महिला थी जो हमारी पुलिस कमिश्नर बन सकती थी। इनके रास्ते में भी कई चुनौतियां थी, कई सवालों के घेरे में ये खुद आई, लेकिन इनकी लड़ाई जारी है और हमेशा आगे अग्रसर रही। तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे, और साथ में मैं आपको बता दूं, माफ कीजिए, हमारे साथ दिल्ली की कुछ युवतियां महिलाएं मौजूद हैं जो अपनी आपबीती हमसे कहेंगी। सबसे पहले मैं शीला जी आप ही के पास आऊंगी और आपसे समझना चाहूंगी, इस समय अगर हम आज के अखबार देखें, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन अगर आज आपके आज के अखबार हम देखते तो आज भी पहले पन्नों में सुर्खियों में वही था, तमाम बच्चियों के साथ ये रेप हुए और देश भर में हुए, दिल्ली में नहीं देश भर में हुए, उनकी सुरक्षा को लेकर आपके जहन में इस समय क्या चल रहा है? सबसे पहले तो ये अच्छा खुशी का दिन है, महिलाओं के लिए सम्मान का दिन है, तो मैं आप सबको और आपके सभी श्रोता महिलाओं को भी और भाइयों को भी बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा पर्व है जो सारी दुनिया भर में मनाया जाता है और इसलिए मनाया जाता है कि जिसमें महिला जो आज कॉन्स्टिट्यूशनली या समाज में भी
उसकी जो बराबरी है वो पुरुष के साथ की जाती है, उस पर कोई रोक ठोक नहीं है। लेकिन कष्ट ये होता है कि इसके बावजूद कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं रही कि जिसमें हम उस पर इत्मीनान कर सकें या भरोसा कर सकें और कॉन्फिडेंस हो के हाँ हमारे लिए है। समाज में भी कमियां अभी भी हैं, जहाँ फीटिसाइड की परंपरा चल रही है, और थोड़ा कष्ट ये होता है, विडम्बना ये होती है कि जितने ही प्रगतिशील समाज होता है, जितना पढ़ा लिखा है, जितने ही पैसे वाला है, उसमें फीटिसाइड और भी ज़्यादा है। तो वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि कहीं ना कहीं हम महिला को लेट डाउन कर देते हैं। वो आती है, अपने आप ही आगे बढ़ती है, उसे मौका भी दिया जाता है, लेकिन अधिकांश उसके सामने इतनी बाधाएं आती हैं। और बड़े कॉन्ट्रास्ट हैं, हमारे 20वीं सदी की सबसे सशक्त महिला जो दुनिया ने कबूल किया उसको, वो इंदिरा गांधी थी, हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी। आज भी हमारे यहाँ किरण बेदी जैसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना एक अपने काम में ऐसा कर दिखाया कि वो भयभीत नहीं हुई किसी से, आगे बढ़ती चली गई। रुकावटें आई, इनको नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो इनके अधिकार हम लोगों को लगता था नहीं मिल पाया, और भी बहुत सारी ऐसी हैं, लेकिन आज उड़ान भी कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे भी जा रही हैं, बैंक में भी है, सब जगह पर महिलाएं, लेकिन प्रोपोर्शन उनका बहुत कम है। और आज भी कहीं ना कहीं जहन में समाज के भी, हमारे अपने महिलाओं के भी और पुरुषों के भी है कि है तो बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी है, दिमाग भी इसका बहुत अच्छा है, बातें भी बड़ी अच्छी करती है, गुणवत्ता भी उतनी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ज़रा सा दबाया जाता है और वो पीछे रह जाती है। नहीं तो देखा जाए तो 50% तो होना ही चाहिए हमारा अधिकार, उतना नहीं होता।